मेरे बाप की प्रॉपर्टी है मेरे पास, नशा है ये दुनिया में थोड़े अल्पकाल का सुख मुझे चाहिए नहीं, जो मैं किसे लड़ूं, जिसको जो चाहिए ले ले वे। मैं अपने बाप के पास सुखी बैठी हुई हूँ। और उनको निमंत्रण देते हैं, आओ 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 मेरे अपने बाप के घर आओ। क्यों आओ, क्या करने के लिए आओ? अपना सुख शांति का, प्रेमानंद के में रहने की शक्ति लेने के लिए आओ। दुख की दवाई उसकी दुआ है परमात्मा बाप की। तभी एक पेनी भी अभी पैसा दवाई पर खर्च नहीं करती है। कोई पूछती है तुम कैसे चलती हो, 5% दवाई लेती हो, थोड़ी तो लेनी पड़ती है जरूर। 50% शिव बाबा की मदद है, 45% सबकी दुआएं हैं। अपन को भी भगवान का प्यार मिलता है ना, बड़ी खुशी होती है। वो खुशी अमर है, कोई भी दुनिया के कारण आ जाए खुशी नहीं जा सकती। सुनना उसको कहा था तो सुनिए न सुनी करना, अच्छी बातें सुनी यहां से सुनी यहां से निकालती। जागरा किसको कहा जाता है, जो सुनते हैं ना आंख खुलती है, जो जागते हैं ना वो दूसरे जगाने को रह नहीं सकते हैं। जिसके पास विश्वास है, सच्चाई है, हिम्मत है, विश्वास हो हिम्मत न हो तो, हिम्मत हो सच्चाई न हो तो, ये तीन बातें विश्वास, आत्मविश्वास, परमात्मा विश्वास। अब क्या करना है समझ के करना है, वो भावना से करना है, अच्छी तरह से करना है। परमात्मा से मिलता क्या है, तुम कुछ नहीं चाहिए, प्यूरिटी, पीस, लव, हैप्पीनेस, पावर। फर्स्ट है प्यूरिटी, संकल्प में, दृष्टि में, वृत्ति में, बोल में, चाल में, प्यूरिटी में पीस है। और पीस तभी है जब लव है, रूखी पीस नहीं है, लवली बनना है, मीठा बनना है, निम्रता से, धीरता से, मधुरता से रहना है, तभी शांति होगी। अंदर बाहर साफ, ये है वैल्यूज। और राजयोग माना राजा ही है, अंदर से कुछ चाहिए चाहिए वाले की राजा ही नहीं है, पर कुछ नहीं चाहिए तो राजा ही है। बेफिक्र बादशाह, बेगमपुर के बादशाह, जहाँ गम होता नहीं है, बिगर कोरी बादशाह, वो सभी बेगमपुर के बादशाह रहते कहाँ हो, जहाँ गम होता नहीं है। बेफिक्र बादशाह, कोई फिक्र की बात नहीं है। और बिगर कोरी बादशाह, सफेद कपड़े जेब खाली, हमें सारे मुल्क के वाली।